हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग? अभी वाओ ना, सॉरी हूँ, जरा शुद्धिकरण चालू हो तो सेक्रेड गेम्स 2 देखा मैंने। ट्रॉमेटाइज हाली है मी। अरे ये क्या है शो? गणेश गायतोंडे बोल तो कमी, गालियां ज्यादा निकलती है। अच्छा है सेंसर बोर्ड ने इनके डायलॉग्स काटे नहीं, वरना सिर्फ निकलता। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, ये कोई स्पॉइलर वीडियो नहीं है, कारण त्याच्यासाठी आई हैव टू अंडरस्टैंड द शो। बहुत कंफ्यूजन है बाबा। ठीक है ना, डायरेक्टर ने शायद सोचा होगा कि सीजन 1 में ना एवरीथिंग वेंट वेरी वेरी फास्ट, गालियां रजिस्टर नहीं हुई है, इसलिए सीजन 2 का पेस जरा हळू करून टाकले। यहाँ पर गालियां सुनाई भी देगी, समझ में भी आएगी और क्रिएटिविटी की दाद देने के लिए भी आपके पास टाइम रहेगा। कभी कभी मैं सोचती हूँ इफ आई हैव टू एवर मीट गणेश गायतोंडे, Maybe we will not be able to relate to each other, कारण उसको मेरी गाली नहीं समझ में आती और मुझे उसकी नहीं। हाँ, मैं भी अच्छा गाली देती हूँ, stupid, idiot, मूर्खा, dumbass and एकदम extreme जाना रहेगा तो monkey donkey। But पाइजे ऐसा कौन तरी मानोस पाइजे अपने लाइफ में, वाईफाई वाले को चिल्लाने के लिए, फ्रूट वाले ने खराब अनार दाना दिया उसको चिल्लाने के लिए, वो मास्टर जी 1.5 महीने घर कुर्ता ना दिला उसको डांटने के लिए। गणेश गायतोंडे लगा एकदम स्ट्रेट फेस, ऐसा स्टाइल में बैठा रहेगा और ठक करूँ गाली देते, नहीं तो माला ओरड़ता ना, सिर्फ मुझे ही पता रहता है कि मैं चिल्ला रही हूँ, आंखें ऐसी लाल होती है कि सामने वाला इंसान को लग रहा है कि मैं रो रही हूँ। कर दीजिए ना वाईफाई ठीक। मला अजूनही शो कळला नाही, कभी पास्ट टेन्स दिखाते, कभी प्रेझेंट टेन्स, कभी पास्ट प्रेझेंट बट नॉट इन मुंबई, कभी पास्ट प्रेझेंट बट फ्रॉम सरताज पॉइंट ऑफ व्यू। जर्नल लेकर बैठना पड़ता है। नो वंडर भाई इस शो का सबसे फेमस डायलॉग है, भगवान में मानते हो? शो देखते वक्त ऐसे लग रहा है बार बार बोलने का, हे भगवान।